Hi everyone, welcome all of you. So welcome to the channel and welcome to IFS once again. So I'm Amruta Pawar, and as you know, we are learning waves, oscillations and optics for your IIT JUMP paper. Okay, since we have started this series 2 days back, we have seen geometrical optics mein lenses ke baare mein humne kaafi saari cheeze dekhi, jiske upar zyada question aate hai. I hope I'm audible, say yes or no. I want to see in comments. And again, once again, good afternoon to all of you. So we have started this geometrical optics, and today we are going to see the basics of interference. Interference जो कि जिसके ऊपर काफी questions आते हैं, जिसके कुछ certain formulas जो हमेशा repeated है, कुछ दो तीन ही formulas हैं जो हमेशा जिसके ऊपर questions आते ही हैं. मैंने इसे pattern देखा, I just saw last 10 years के question जो interference पे आए हैं, but I saw there is one formula जिसको पता है, आई मैक्स एंड आई मिनिमम का रेशियो, उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा. मतलब वो एक फॉर्मूला काफी रिपीटेड हुआ है. इफ़ यू जस्ट सी लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन, यू विल रियलाइज. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है जो आते हैं. ओके, सो हाई अंकिता, एम डी जलालुद्दीन, हेलो, गुड. सो शैल वी बिगिन? यस, वन सेकेंड रिमाइंडर फॉर दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट फिजिकल साइंस पेपर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फ्रॉम 14th December में CSIR नेट फिजिकल साइंस का नया बैच स्टार्ट हो रहा है. सो ऑल योर सीनियर्स, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू देम. बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में ये कोर्स है. आप सारी डिटेल्स वेबसाइट पे देख सकते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट नंबर वेयर यू कैन ऑलवेज कॉल. ओके, सो शैल वी बिगिन? यस, हेलो राणा दास. सो दीज आर रेगुलर स्टूडेंट्स, वेरी हैप्पी टू सी यू एवरी डे. यस, चलो, सो लेट स्टार्ट, एंड टूडे वी आर गोइंग टू सी द इंटरफेरेंस. ओके, यस, वी आर गोइंग टू सी इंटरफेरेंस. चलो, सो रामू इज आस्किंग न्यू बैच फॉर जाम, आई टेल यू टुमारो. ओके, फॉर नाउ इफ यू वॉन्ट टू चेक इट इमीजिएटली, यू कैन चेक ऑन वेबसाइट, अदरवाइज आई गिव इन्फॉर्मेशन टुमारो डेफिनेटली. ओके, हाई अब्दुल, हाउ आर यू? चलो, सो लेट्स बिगिन द सेशन, एंड लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट इज दिस इंटरफेरेंस इज. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इंटरफेरेंस इज. इंटरफेरेंस को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट क्लास 12 की है जो आपको पता होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज. ओके, अंकिता इज आस्किंग, मैम आपने जितना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करवाया है उतना ऑप्टिक्स कर लेना काफी है क्या? बिल्कुल नहीं अंकिता, बिल्कुल नहीं. वो तो मैंने बहुत ही शॉर्ट पार्ट किया है, क्योंकि एक घंटे में हम कितना कवर कर सकते हैं? नो, दैट इज नॉट ओनली सफिशियंट. आई कैन से देर इज अगेन ह्यूज पोर्शन इन योर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ओके, सो आई हैव कवर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली, बट दैट इज नॉट सफिशियंट, आई कैन से. ओके, सो इन द इंटरफेरेंस व्हाट वी विल सी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ मैंने बोला कि एक जो कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट, हाइजिंस वेव फ्रंट. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस हाइजिंस वेव फ्रंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट? ओके, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, देन अंडरस्टैंडिंग इंटरफेरेंस विल बी इजी. ओके, so how many of you heard of this term? I'll write this wave front, spelling of Huygens. Okay, Huygens wave front. ठीक है, अधूरे छा, I guess. मैम ये बाद में भी रहेगा ना वीडियो? जी बिल्कुल रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, ओके, सो व्हाट इज हाइजेंस वेव फ्रंट? सो इफ वी टेक अ सोर्स, इफ आई हैव अ, लेट्स से थ्री टाइप ऑफ सोर्स, लेट्स से इफ आई हैव अ पॉइंट सोर्स, एंड इफ आई हैव अ लीनियर सोर्स लाइक अ ट्यूब लाइट. ऐसे मेरे पास दो टाइप के सोर्स है, सपोज दीज आर द सोर्सेस ऑफ लाइट, लेट्स से. सो व्हाट इज अ वेव फ्रंट? द वेव्स व्हिच दिस लाइट वेव, दैट दिस पर्टिकुलर वेव्स आर, दिस पर्टिकुलर सोर्सेस आर इमिटिंग, दे कैन बी शोन और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट. जैसे कि अगर ये पॉइंट सोर्स है, सो इसके जो वेव फ्रंट रहेंगे, दैट विल बी स्पेरिकल वेव फ्रंट. सो द वेव फ्रंट विल बी अ स्पेरिकल लाइक दिस. इफ यू हैव दिस लीनियर सोर्स लाइक अ ट्यूबलाइट, और यू कैन से, सो दिस, यस डेफिनेटली रामू इज सेइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, डेफिनेटली. सो इफ यू हैव अ लीनियर सोर्स, देन द वेव फ्रंट दैट यू कैन सी विल बी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स. ओके, अगर आपके पास लीनियर सोर्स है, तो इसके जो वेव फ्रंट बनेगा, उसका जो शेप रहेगा, दैट विल बी अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट.
okay? And if you remember, hygiene has given two principles for this wavefront. पहला ये principle है कि every source will emit this wavefront. अगर point source है तो spherical wavefront होगा, linear source है तो cylindrical wavefront होगा. And second thing is, they will propagate in a, वो आगे आगे propagate होते जाएंगे. And the second thing is, the new wavefront, जो नया wavefront बनता है, उसके ऊपर हर एक point will behave as a individual source. ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा. इन अ न्यू वेव फ्रंट द सिंग एवरी पॉइंट विल बिहेव एज अ इंडिविजुअल सोर्स. एक नया इंडिविजुअल सोर्स काम करेगा और वो फिर से अपना एक वेव फ्रंट स्टार्ट करेगा. मतलब जैसे कि मतलब एक मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये पॉइंट सोर्स है. इमेजिन ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है, इसने कोई वेव फ्रंट इमिट किया लाइक दिस. नाउ एवरी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर वेव फ्रंट, लेट्स से और एक मैं वेव फ्रंट ड्रॉ कर रही हूँ. हाँ, तो एवरी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर वेव फ्रंट विल बिहेव एज अ इंडिविजुअल सोर्स. जैसे कि इसके ऊपर के कोई तीन पॉइंट हम ले ले या चार पॉइंट, तो एवरी पॉइंट विल अगेन बिहेव एज इंडिविजुअल सोर्स. तो जैसे कि ये फिर से एक सोर्स की तरह काम करेगा, तो ये भी अपना एक वेव फ्रंट इमिट करेगा. ओके, आई विल शो इट लिटिल. ये भी कुछ ऐसे अपना फिर से एक वेव फ्रंट इमिट करे. इट शुड बी अ स्फेरिकल, डोंट मेरा शेप हो सकता है कि ठीक से नहीं गया हो. एंड द नेक्स्ट वेव फ्रंट इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज वेव फ्रंट टेंजेंशियली. अगर इन सारे वेव फ्रंट को मैं टेंजेंशियली ज्वाइन करूं इन फॉरवर्ड मैनर, लाइट तो आगे ही बढ़ती है, तो ये आ गया मेरा नया वेव फ्रंट. दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट, फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट. एक छोटी सी कंसेप्ट थी, क्विकली रिवाइज कर दी. ओके, शुभम कारवार इज आस्किंग, मैम बीएचयू जेएनयू का न्यू बैच कब आएगा? न्यू बैच कब आएगा? यू आस्किंग दैट आईएफएस इज लॉन्चिंग, व्हेन आईएफएस इज लॉन्चिंग? आई गिव यू आंसर टुमारो शुभम. यू आस्किंग फॉर आईएफएस, राइट? आई मीन यू आस्किंग दैट व्हेन आईएफएस इज लॉन्चिंग न्यू बैच फॉर जेएनयू, इज इट सो? ओके, सो चलो ये बस वेव फ्रंट का ये है, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस में अगर वेव फ्रंट अगर आपको पता है तो थोड़ा सा फायदा होगा आपको. अब स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस. व्हाट इज एन इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस को फिर से समझने से पहले और एक छोटी सी बात, जैसे कि मेरे पास अगर कोई दो वेव्स है, इफ आई हैव टू वेव्स, लेट्स से आई हैव टू वेव्स एंड दीज टू वेव्स हैज सम एम्पलीट्यूड. फॉर एग्जांपल आई एम कॉलिंग दिस एज वेव वन. लेट मी ड्रॉ इट लिटिल सिस्टमैटिकली. यस, ये मेरी कोई पहली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है वाई वन, और लेट्स से मेरे पास ये कोई दूसरी वेव है लाइक दिस. I have these two waves like this. And this another wave has, let's say, amplitude of y2. So can anyone tell me when these two waves superimpose, when these two waves superimpose, what will be the magnitude of a resultant wave? जब ये दोनों wave जब superimpose हो जाएगी, तो जो resultant wave बनेगा, उसका amplitude क्या होगा? Can anyone tell me in a comment box? What will be the amplitude of resultant wave? Can anyone tell me? The amplitude of resultant wave, when I superimpose these two, I'll call this is my y is equal to y1 plus y2. So when you superimpose these two, what about the magnitude of the resultant wave? Yes, exactly. Ramu is saying y1 plus y2, but is it an algebraic sum, Ramu? Can you tell me? Is it an algebraic sum? y1 plus y2, or is it a vector sum? Because that matter exactly. Algebraic sum is different and vector sum is different. Yes, Abdul is saying yes. Share the link to everyone. Yes. And yes, jin logon like nahi kiya abhi tak, wo fatafat like karo. MD, you saying increase. What I'm asking is whether this y equal to y1 plus y2, this is a vector sum. Very important. This is the vector sum. ये होती है तुम्हारी वेक्टर सम. दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, आई थिंक आप लोगों को ये पता है. सो इफ आई ऐड दिस टू, लेट्स से दिस इज अ न्यू वेव, दैट इज माय कैपिटल वाई, व्हिच हैज अ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू. दिस इज नॉट अ अलजेब्रिक सम, इट इज अ वेक्टर सम. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेक्टर सम एंड अलजेब्रिक सम, इजंट इट? नो अब्दुल, इट्स नॉट अ अलजेब्रिक सम, इट्स अ वेक्टर सम. एग्जैक्टली. हाँ, और एक चीज, अगर ये जो मैंने वेव्स ड्रॉ के लिए, आई कॉल दिस एज अ वेव वन, आई कॉल दिस एज अ वेव टू, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ फेज डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर टू वेव्स? ये दो वेव जो मैंने ड्रॉ की थी, इनके बीच की फेज डिफरेंस कितनी है?
Yes. Anyone tell me, what is the phase difference between these two waves? Because ये चीजें clear है तभी आगे बढ़ सकते हैं. ये दो वेव के दो वेव को देख के बताओ कि इन दोनों के बीच की फेज डिफरेंस कितनी है. मैग्नीट्यूड को आप लोगों ने सही बताया. Yes. What is the phase difference? Okay. Ramu is asking how wave is created. Okay. You need to disturb some medium. If you disturb the medium, and it depends the property of the medium as well. Somehow, if you disturb the medium, then that energy and that momentum carry forward through this wave. अगर आप डिटेल बहुत फिजिक्स में जाओगे तो यस इट इज इन यस एवरीवन इज सेइंग 000 वेरी गुड. बट अगर मैं कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूं अगर तो ठीक है. पहले तो फॉर्मूला मैं लिख लूं y इक्वल टू y1 प्लस y2 दैट इज अ वेक्टर सम बिल्कुल. लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं. मैंने ये येलो कलर की जो वेव है इसको थोड़ा सा आगे रखूं लाइक दिस. कुछ मैं इस प्रकार से इसको स्टार्ट करूं. ओके. Now there is no more zero phase difference. Now there is some phase difference between these two waves, and let's call this phase difference that is denoted by delta phi equal to some phase difference. तो मैं इसको delta ही बोल रही हूँ. और let's call this as a theta. चलो, the phase difference is theta. Okay. Now because there is this wave difference, so whenever there is a phase difference of some angle between two waves, then now जो भी तुम्हारी सुपर पोजिशन करने के बाद जो भी एम्पलीट्यूड होगा फॉर दिस रिजल्टेंट वेव, सो वाई नेट दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2. नाउ इट इज गोइंग टू बी यस ओके सुपर इम्पोजिशन ऑफ दिस टू. इट इज गोइंग टू बी अंडर रूट इट्स y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स व्हाट cos थीटा 2 टाइम्स y1 y2 cos थीटा सॉरी cos theta. Okay. Let me just make some space, more space. Is it clear? कोई बताएगा? ये सबको clear है? Yes. Ramu is asking, is phase always only angle? जी हाँ, अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे हैं, जी हाँ, इट इज ऑलवेज इन एंगल. बेसिकली नॉट इन एंगल डिग्री में नहीं, बट इसमें रेडियन में. ठीक है, आप एक्चुअली उसको रामू उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो. आप आपको अगर रेडियन में नहीं चाहिए, इफ यू नो द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. बट जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं ना, वो हमेशा एंगल में ही देते हैं फेज डिफरेंस को. वैसे आप पाथ डिफरेंस में भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो. So whenever there is a phase difference by some theta, this phase difference between these two waves is theta, then the resultant amplitude for this superimposed wave is given as under root y1 square plus y2 square plus 2y1 y2 cos theta. Is it clear? Very, very important formula. This is where theta is phase difference between two waves. ठीक है, अब मुझे क्विकली सब लोग ये आंसर करेंगे कि चलो पहली बात तो मैं इस फॉर्मूला को फिर से लिख लूं. अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको क्लियर कर देते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है. सो यू हैव लेट्स से अगेन टू वेव्स. आई एम कॉलिंग दिस एज लेट्स से वेव वन जिसका एम्पलीट्यूड है लेट्स से ए. आपके पास फिर से और एक वेव है लेट्स से लाइक दिस, एंड लेट्स इसका एम्पलीट्यूड है बी. सो द इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद लेट्स से यू गॉट सम रिजल्टेंट वेव लाइक दिस. लेट्स से यू गॉट सम रिजल्टेंट वेव एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेव विल बी, आई कॉल दिस एज आर, एंड दिस आर इज गिवन एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये बात तो सबको क्लियर है. गुड. नाउ लेट्स टेक सम केसेस. कुछ केसेस लेते हैं. सो केस वन, व्हाट इफ थीटा इक्वल टू जीरो. अगर दोनों वेव्स के बीच की फेज एंगल जीरो हो जाए तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, क्या हो जाएगा? इट विल बी सिंपली अंडर रूट इफ कॉस जीरो की वैल्यू क्या है, इट इज कॉस जीरो इज वन, सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab.
So this is nothing but a plus b whole square, isn't it? So the resultant will be a plus b. And this is the maximum value of an amplitude. This is the maximum value of an amplitude. Okay. When theta is equal to, let's say, yes, exactly. So what will be the minimum value and what will be the theta? Can anyone tell me? What will be theta and what will be minimum value? Minimum value क्या हो सकती है और उसका theta क्या हो सकता है? ठीक है, कुछ basic अगर brush up कर ले तो आगे फटाफट बढ़ सकते हैं, इसीलिए. Yes. What will be minimum value and what will be theta? Yes. For a wave to be yes, फिर बताएंगे हम constructive और destructive interference के बारे में. सो ऐसा कौन सा थीटा है जिसपे आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेव, आई एम आस्किंग. ओके, एनीवन हैज एनी आंसर? एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली. सो इफ यू हैव थीटा इक्वल टू 180, दैट इज पाई, व्हाट यू विल हैव इज, यस, इफ यू टेक अ पाई, एग्जैक्टली, इट विल बी ए माइनस बी. This R will be A minus B. Exactly. Very good. सबका आंसर सही है. अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन और वो है हाउ इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है, क्या कोई बता सकता है? What is the relation between intensity and amplitude? Anyone tell me? Can anyone tell me? What is the relation between intensity and amplitude? Yes, A minus B तो सबका सही है. Relation between intensity and magnitude. Yes, quickly. Okay. What is the relation between intensity and magnitude? Important one. Yes, yes. Everyone is giving me correct answer. Yes. ये बहुत ही important है. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. So, intensity. Yes. और किसी का कोई और answer है? Yes. Intensity is directly proportional to the amplitude square. Very, very, very important. Intensity is directly proportional to amplitude square. So, if you have maximum intensity, let's say, and the ratio of a minimum intensity, so it is going to be, that is a plus b whole square divided by a minus b whole square. Very, very, very important relation that you will definitely require. This is the relation between intensity and maximum, intensity and amplitudes. I'm talking about phase difference, that is delta phi equal to zero ki baat ho rahi hai filhal. There is no phase difference between two waves. So actually, can anyone tell me, when I say I max, I'm referring to what? I'm referring to constructive interference or destructive interference? When I'm saying I max, I'm referring which term? The constructive one or destructive one? अब हम जा रहे toward the interference, उसके लिए basic clear करना जरूरी था. Yes. So when I say चलो फटाफट बताओ सो दैट हम आगे बढ़ेंगे क्विकली. यस एग्जैक्टली. व्हेन आई से आई मैक्स, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, दैट व्हेन यू हैव, सो बेसिकली अभी चलते हैं थोड़े से हम चल रहे हैं इंटरफेरेंस की तरफ. सो थोड़ा थोड़ा एक दिमाग में स्टेप बना लो कि जब भी इंटरफेरेंस की बात आ रही है, जब भी इंटरफेरेंस की बात आ रही है, सो व्हेन आई से द इंटरफेरेंस, इट इज अ सुपर पोजिशन ऑफ अ वेव्स. एक वेव इंटरफेरेंस नहीं बना पाएगी. जो हमें चाहिए, जो सुपर पोजिशन होता है, तो मिनिमम टू वेव्स विल बी रिक्वायर्ड. सो इट्स अ सुपर पोजिशन ऑफ अ वेव्स. योर इंटरफेरेंस इज अ सुपर पोजिशन ऑफ अ वेव्स. सो दैट सुपर पोजिशन कैन बी ऑफ अ टू टाइप. इट कुड बी कंस्ट्रक्टिव, इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव, बट सुपर पोजिशन होना तो जरूरी है. मानते हो कि एटलीस्ट सुपर, पहले तो सुपर पोजिशन हो,
लेकिन सुपर पोजिशन होने के पहले भी मेरा एक सवाल आता है कि कौन सी वेव्स है, कुछ तो कंडीशन होगा या कोई भी रैंडमली दो वेव हम लोग सुपर इम्पोज कर दे, तो नहीं, इट्स अ सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स को सुपर इम्पोज करने के बाद, सो व्हेन आई सुपर इम्पोज टू वेव्स, सुपर इम्पोज टू वेव्स, फिलहाल तो बहुत ही आसान सा केस ले रहे हैं हम लोग कि टू वेव्स की बात कर रहे हैं. ओके, दीक्षा इज सेइंग रियल लाइफ में एग्जांपल टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस. दीक्षा आपने बबल देखे राइट, जब हम लोग निर्मा का पानी वगैरह होता है, जब हम साबुन लगाते हैं हाथों को और जो बबल निकलते हैं तो उसमें जो कलर दिखता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस. जो रस्तों पे जनरली बिकॉज बहुत लोगों को ये पता नहीं ये चीज, बट बबल का जो एग्जाम्पल है कि द बबल्स आर शाइनी, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस. उसका मैकेनिज्म काफी गहरा है. ठीक है, यस, उसकी तरफ भी जाएंगे. यस, नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि आई वांट टू सुपर इम्पोज टू वेव्स, बट व्हाट टाइप ऑफ वेव्स दिस शुड बी. ऐसी वेव जो जनरेट होती है एक कोहरेंट सोर्स. अब फिर से सवाल है, व्हाट इज एन कोहरेंट सोर्स? कोहरेंट सोर्स है क्या? तो ऐसी वेव जो कोहरेंट सोर्स से निकलती है और जो सुपर इम्पोज होती है वो बनाती है तुम्हारा इंटरफेरेंस. अब फिर से अ क्विक क्वेश्चन टू एवरीवन, व्हाट आर कोहरेंट सोर्सेस? व्हाट इज कोहरेंट सोर्सेस? कोहरेंट सोर्सेस होते क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कोहरेंट सोर्सेस? और फिर जाएंगे हम यंग्स के पास, क्योंकि यंग ही है, यंग्स. यस, एग्जैक्टली. सो लेट्स सी व्हाट आर द कोहरेंट सोर्सेस. Can anyone tell me the condition for coherent sources? Whom I can call the coherent sources? कुछ तो condition होगी जिसको हम coherent sources बोलते हैं. Yes, Diksha is saying same amplitude and same frequency. What about phase difference? In a coherent sources, phase difference क्या होगी? Yes, she's saying a source with the same wavelength and amplitude and frequency. Okay, what about phase difference? So Ankita is saying the sources having same phase and amplitude. Is it so? Yes. So again, interesting question to everyone. Can I derive? So देखो coherent sources ऐसे sources हैं. अभी पहले बता देते इसको. फिर question करती हूँ. Exactly. Kaushik Dey ने सही बोला. Same phase हो या फिर the phase difference should be constant. Throughout the wave, उन दोनों का जो phase difference है वो तो एक तो same होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए. ओके, सो द सोर्सेस विच हैव सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड सेम हुआ नहीं हुआ चलेगा, ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेम एम्पलीट्यूड ही हो. क्या लग रहा है आपको? हुआ तो बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है, क्योंकि अगर सेम एम्पलीट्यूड हुआ, एक सिंपल सी बात, अगर सेम एम्पलीट्यूड हुआ तो जो कंस्ट्रक्टिव में बनेगा वो क्या बनेगा? ए प्लस ए. यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो डिस्ट्रक्टिव में बनेगा वो ए माइनस ए, मतलब कंप्लीटली डार्क एंड हियर कंप्लीटली ब्राइट. सो अगर सेम एम्पलीट्यूड होते हैं दो वेव के तो पैटर्न जो दिखता है बहुत सही दिखता है. क्यों? क्योंकि जहां पे डिस्ट्रक्टिव है वहां पे पूरा डार्क दिखेगा और जहां पे कंस्ट्रक्टिव है वहां पे पूरा लाइट दिखेगा. लेकिन अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं हुए तो कंस्ट्रक्टिव की जगह पे क्या दिखेगा? ए प्लस बी. You will get some light, but destructive के यहाँ पे क्या मिलेगा? A minus B, मतलब कुछ light मिलेगी. बात समझ में आ रही है? तो amplitude की जरूरत नहीं है, मतलब amplitude का same होना condition नहीं है. What condition is the phase difference? The phase difference, इस पर भी एक question आया था JNU में. Phase difference एक तो होना चाहिए zero, या फिर this phase difference should be constant. एक तो zero हो, well and good, या फिर constant हुआ तो भी चलेगा. ओके, कौशिक इज आस्किंग मैम आप फिल्म इंटरफेरेंस कवर करेंगे? यस, इट डिपेंड ऑन अ टाइम. आज और कल हम इंटरफेरेंस कवर करने वाले हैं एंड आई एम ट्राइंग टू कवर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कि जितने भी इंटरफेरेंस पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं कोशिश रहेगी कि वो हम कवर करें. ओके, व्हाट दिस एमडी इज सेइंग इज इफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेव फ्रंट आर आइडेंटिकल and their phase difference is constant. Okay, वो भी सही बात है. ठीक है, तो these are the condition. Now my question to you.
इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सब लोग मुझे जवाब दे हाँ या ना में। कैन आई डिराइव, अभी मुझे कोहेरेंट सोर्सेस पता है, ऐसे दो सोर्सेस मेरे पास, ऐसे कोई दो सोर्सेस है जो सेम टाइप की वेवलेंथ इमिट करते हैं, मतलब इसने एक ऐसी वेव इमिट की तो इसने भी सेम आइडेंटिकल वेव इमिट किया, मतलब दीज आर व्हाट आई एम कॉलिंग अबाउट कोहेरेंट सोर्सेस। सो कैन वी डिराइव, हेलो शिबा मेहर, हेलो, सो कैन वी डिराइव, लिसन माई क्वेश्चन केयरफुली, कैन वी डिराइव दिस कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस? कैन वी डिराइव कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस? और क्वेश्चन सुनिएगा, और ये दो कोहेरेंट सोर्सेस बनाने के लिए क्या मुझे एक सिंगल सोर्स से बनाना ज्यादा आसान रहेगा या डिफरेंट सोर्सेस से बनाना आसान रहेगा? यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो शिवा, हेलो हेलो हेलो, ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉट आई एम आस्किंग इज, आई वॉन्ट टू मेक, आई वॉन्ट दिस कोहेरेंट सोर्सेस, दो तुम्हारे पास सोर्सेस है, सो विल दे फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल सोर्स? और सिंगल सोर्स से बनाना आसान रहेगा या दो अलग सोर्सेस से बनाना आसान रहेगा? थिंक अबाउट दिस इंटरेस्टिंग वन। यस, नो 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 बोल रहे बच्चे, ओके ओके, सो यस, बिल्कुल सही बोला आपने, सिंगल सोर्स। सो सिंगल सोर्स से ही तुम लोगों को ये दो कोहेरेंट सोर्सेस बनाना आसान रहेगा, क्योंकि दो अलग अलग, अगर आप सेम 2 वाट के बल्ब लेते हो, सपोज आपके आपको इंटरफेरेंस आप घर पे बनाना है, ठीक है, ये बिल्कुल एक्टिविटी घर पे ट्राई कीजिएगा, क्यों नहीं, फिजिक्स हम घर पे क्यों नहीं करके देखें, मतलब इट्स वेरी एक्साइटिंग व्हेन यू डू समथिंग विच यू रीड एंड यू डू इट प्रैक्टिकली, वो तो बहुत ही मजा आता है कि आप खुद से कुछ कर रहे हो। सो यस, बिल्कुल या, तो मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर आपने 2 सेम वाट के बल्ब लिए, ठीक है, और आपने कोशिश की कि वो दो, एम आई कॉल दीज टू बल्ब एज माई कोहेरेंट सोर्सेस? बिल्कुल कह नहीं सकते, इवन दो वो दोनों भी सेम वैट के हो, क्यों? क्योंकि जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसका अगर मैकेनिज्म आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो इट्स अ ट्रांजिशन हैपन बिटवीन एनर्जी लेवल एंड द फोटोन इमिटेड, तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जब इसका ट्रांजिशन हो रहा है तभी इसमें भी ट्रांजिशन हो रहा है एंड फोटोन इमिट हो रहा है, मतलब लुक एट द, थिंक अबाउट द सिचुएशन, कोहेरेंट सोर्स डिराइव करना इज वेरी चैलेंजिंग, दो अलग अलग सोर्सेस से कोहेरेंट सोर्स करना इज वेरी चैलेंजिंग, आपको नहीं लगता? तो यस, जो यंग्स ने आइडिया किया था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, तो द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यस द यंग्स, लेट्स स्टार्ट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द साइंटिस्ट यंग, आई थिंक इन 1908 उन्होंने एक सिंगल सोर्स लिया, ही टुक अ सिंगल सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे एक स्लिट वहां पे उसने रख दी, एक पुट वन स्लिट ओवर हियर, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन क्विकली, एक ही पुट अ स्लिट ओवर हियर, लेट्स से लाइक दिस, और इस सोर्स को मैं थोड़ा सा पास रखूं, ओके, सो दिस इज अ सोर्स, काफी सारी चीजें मुझे बतानी है कि फ्रिंज विड्थ, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, हाउ डज फ्रिंज विड्थ शिफ्ट अप एंड डाउन, बहुत सारी चीजें क्विकली देख लेते हैं, कोई नहीं, हमारा कल भी एक लेक्चर है जिसके ऊपर कोशिश रहेगी कि आज थ्योरी हो और कल क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंगल सोर्स है, आई एम कॉलिंग दिस एज अ एस, और कुछ डिस्टेंस पे, कुछ सेंटीमीटर पे यहाँ पे उसने क्या रखा है, 2 स्लिट्स रखे हैं, ही पुट 2 स्लिट्स ओवर हियर लाइक दिस, 2 स्लिट्स उसने यहाँ पे रखे, डबल स्लिट, दिस इज कॉल्ड एज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये है कोई सोर्स जो क्या रिमिट करेगा, लेट्स कॉल दिस इज द वेव फ्रंट दैट दिस सोर्स इज इमिटिंग, सो एक जाएगा मेरा क्रस्ट और दूसरा रहेगा ट्रफ, सबको पता है ना क्रस्ट एंड ट्रफ क्या है, ठीक है, सो ये क्रस्ट ट्रफ इमिट करेगा, सो इफ दिस इज अ वेव, दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ, ओके, सो क्रस्ट ट्रफ लाइक दिस, ओके, दिस, ये एक्चुअली जब ये तुम लोग प्रैक्टिकली करते हो ना तो मतलब बहुत ही तुम लोगों को समझ में आएगा कि हाउ इंटरेस्टिंग इट इज दैट टू वेव्स आर सुपर इम्पोजिंग एंड देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एनर्जी, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होकर एक पैटर्न बना रही है, डार्क ब्राइट, आई मीन वेन एवर यू रीड इंटरफेरेंस टेक इट्स फील, ऐसा एग्जैक्टली क्या होता होगा कि वो पैटर्न बन रहा है, इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा है, सो सुपर इम्पोज होके, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, आई रियली फील कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वंस यू डू इट यू विल रियलाइज।
सो हमारे पास ये दो सोर्सेस है, इसको मैं बोल रही हूँ, नाउ दीज आर माई कोवरेंट सोर्सेस, आई एम कॉलिंग दिस एज अ एस वन एंड आई एम कॉलिंग दिस एज अ एस टू. ये है मेरे एस वन एंड एस टू. ओके, सो अब जब ये मेरे दीज विल बिहेव एज अ इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ये जो मेरे एस वन एंड एस टू है दे विल बिहेव एज अ इंडिपेंडेंट सोर्सेस, और ये फिर से स्टार्ट करना इमिट करेंगे क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ. So they will again behave as a independent sources. Okay, let's like this. So this is again crust and there is a trough. Crust and there is a trough. And then crust and there is a trough. Yes. अब यहाँ पे हमने रखी है स्क्रीन. अब कुछ चीजें यहाँ पे समझ लो क्विकली. ये जो डिस्टेंस होती है, the distance between these screen and double slits is capital D. ये distance है capital D. इसके ऊपर questions हैं. Okay, Mr. Physics is asking, ma'am, wave optics and oscillation complete course तो बेटा not possible. आप जानते हो कि ये, लेकिन ये पूरे week में ये series चलने वाली है. ठीक है, ठीक है, ओके. तो क्विकली ये जो डिस्टेंस है तुम्हारी कैपिटल डी, और ये जो इन दोनों की डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी. दिस इज अ स्मॉल डी. ओके, ये चीज आपको पता होगी. सो यहां पे तुम्हें क्या मिल रहा है, सो इफ यू सी एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्रीन, इस स्क्रीन के सेंटर पे देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सो इफ आई क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट एंड ट्रफ के ऊपर ट्रफ. सो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, तो दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ऑल दे रेफर constructive interference. तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा एक, I'll show it like this. This is called as central maxima. Central maxima. इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा formula लिखेंगे, और जैसे ही इसका अगले वाला देखेंगे, जैसे कि अभी इसकी बात करें तो क्या overlap हो रहा है, यहाँ पे एक crust के ऊपर trough आ रहा है, एक crust के ऊपर trough, crust के ऊपर trough, मतलब यहाँ पे जो next exactly second पे मिलेगा वो मिलेगा मिनिमा. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट मिनिमा. फिर उसके बाद मिलेगा तुम्हें मैक्सिमा. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट मैक्सिमा. सेंट्रल का तो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, और सिमिलरली कुछ इसी प्रकार ही तुम्हें मिलेगा सेकेंड मिनिमा. सो लाइक दिस, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, यू विल गेट, दिस इज अगेन हियर यू विल गेट अ मिनिमा. इसको भी तुम फर्स्ट मिनिमा बोल सकते हो. फिर यहां पे मिलेगा मैक्सिमा, मैक्सिमा, और फिर मिलेगा तुम्हें मिनिमा. ठीक है, ये तुम लोग जानते हैं कि तुम ऐसे यू विल गेट अ, यस दीक्षा, ऑलवेज सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड. यस, सो हियर यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा. यू विल सी अ पैटर्न इन अ स्क्रीन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर. अब बात करते हैं एक फॉर्मूला की. यहां तक की हो सकता है आपको पता है एक फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला. देयर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर्मूला. आई विल राइट दिस फॉर्मूला. द इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अंडरस्टैंड. द इंटेंसिटी ऑफ सुपर इंपोज्ड wave at a given point is this I is equal to I1 plus I2 plus 2 times under root I1 I2 cos phi. Very 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 important formula. Everyone please take down this formula. ये काम आपको definitely काम आएगा. ये formula बहुत काम का है. ये formula है, this formula gives us the intensity at a particular point on screen. Screen पे उस particular point पे ये देता है हमें intensity of the superposition of two waves. So what is the I1? Intensity of a first source. I2, intensity of a second source. And phi is a phase difference of two waves. Phase difference of two waves.
अब सबके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ ये जो टर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है, सो पे अटेंशन, व्हाट दिस टर्म इज कॉल्ड एज। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट दिस टर्म कॉल्ड एज, कोई बताएगा? ये इस टर्म का एक नाम है, व्हाट दिस टर्म इज कॉल्ड एज, एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट दिस टर्म इज कॉल्ड एज? यस, व्हाट दिस टर्म इज कॉल्ड एज, यस, नोबडी नोज, ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, व्हाट दिस टर्म इज कॉल्ड एज, नो, अंकिता इज सेइंग को फैक्टर, ओके, आई टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म, देन यू विल रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, ओके, एनी अदर रिप्लाई फ्रॉम एनी वन, किसी और को कोई पता है, कुछ पता है? ओके, दिस टर्म इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस टर्म, इस टर्म को बोला जाता है इंटरफेरेंस टर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इंटरफेरेंस टर्म है क्या तुम्हारी, अगर कोई दो सोर्सेस कोहेरेंट हो, अगर सोर्सेस कोहेरेंट हो, कोहेरेंट सोर्सेस हो, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है दैट इज गिवन बाय दिस। और अब मुझे बताओ अगर कोई सोर्सेस नॉन कोहेरेंट हो, इफ द सोर्सेस आर नॉन कोहेरेंट, तो नॉन कोहेरेंट दो ऐसे सोर्सेस जो नॉन कोहेरेंट है और उनकी वेव सुपर इम्पोज हो जाती है, इमेजिन करो उनकी वेव सुपर इम्पोज हो जाती है, तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी, तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी? व्हेन द टू सोर्सेस विच आर कोहेरेंट एंड द सुपर इम्पोज, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? एनीवन हैज एन आंसर, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस मीट? यस, anyone has any reply or anything to say? Okay, no answer. Okay, चलो बता देती हूँ मैं. No, it's not zero actually. The result in no Diksha, it's not zero. So what will happen? Exactly, Ankita is right. Ankita is right. So what happened when non-coherent sources superimpose, non-coherent sources की waves अगर superimpose हो जाती है, तो resultant intensity is given as I1 plus I2. This is the difference. इसके ऊपर question आए हैं, कोशिश रहेगी कि question कल ही solve हो, क्योंकि आज बहुत सारी theory बतानी है, ठीक है? So when non-coherent sources meet or when they superimpose, their intensity is I1 plus I2. But when coherent sources meet, the intensity is given as like this. And there is this term that represent, there is interference. So this is called as an interference. Yes, interference term. ये बहुत important concept है, बहुत ही ज़्यादा important concept है. So what is an maximum intensity and minimum intensity at a certain point? So as I told you, let's say this is my slit I1, this is my I2, and this is a screen. So can you tell me whenever there is a constructive interference? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? बिकॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में व्हाट हैपन इज एक्चुअली फेजेस, द फेज डिफरेंस इज जीरो, इजंट इट? एंड व्हेन फेज डिफरेंस इज जीरो, सेंटर मैक्सिमा की बात करें, तो ये इंटेंसिटी की टर्म क्या हो जाएगी? दिस विल बी कॉस, विल बी जीरो, कॉस जीरो इज वन, सो दिस विल बी I1 प्लस I2 प्लस टू टाइम्स अंडर रूट I1 I2. And this is nothing but, anyone has any idea? कि जब constructive interference होता है तो वहां की जो intensity होती है, that intensity is nothing but, कहा गया? हाँ, this intensity is nothing but
रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम इंटेंसिटी. कितनी हो सकती है? रूट आई वन प्लस रूट आई टू. इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है. प्लीज टेक दिस फॉर्मूला, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस ये हो जाएगा I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 cos phi. समझ में आ रहा है? मतलब वो पहली वाली टर्म यहाँ पे जो मैंने लिखा था, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 cos phi. सो दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम. एग्जैक्टली अंकिता बैनर्जी यू सेइंग रूट, ओ मैंने स्क्वायर लिखा क्या? ओके okay. लेट मी जस्ट चेक. इट इज नो इट्स हाँ सही तो है. एंड वॉट विल बी मिनिमम, कैन एनी वन टेल मी कि मिनिमम क्या हो सकती है? द मिनिमम इंटेंसिटी, वॉट कुड बी द मिनिमम इंटेंसिटी? प्लीज टेल मी वॉट विल बी द मिनिमम इंटेंसिटी. मतलब जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी? कैन एनी वन टेल मी द मिनिमम? Yes, I'm waiting for your answers. What will be the intensity for destructive interference? Okay, no answer. For destructive interference, it will be simply minus. It is going to be रूट आई वन माइनस रूट आई टू स्क्वायर, बिकॉज दिस विल बी बिकम देन डिस्ट्रक्टिव. के लिए क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव. एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव दैट इज इक्वल टू, इसका अगर तुम इसको स्प्लिट करोगे, दिस विल बी आई वन प्लस आई टू माइनस टू टाइम्स अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव. तो चलो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फेज डिफरेंस मैंने बोला सेम है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन बेसिकली एट दिस पर्टिकुलर, आई वांट टू से इज माय आई मैक्स, क्योंकि आपको रेशियो काफी बार पूछा जाता है, द रेशियो ऑफ आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम. काफी क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिलेंगे. सब लोगों ने आज इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है? एवरी वन विल ट्राई क्वेश्चन ऑन इंटरफेरेंस, और देखना कि काफी सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चीज को लेके है. ओके, सो व्हेन यू टेक अ रेशियो, इट इज नथिंग बट रूट आई वन प्लस रूट आई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज रूट आई वन माइनस रूट आई टू स्क्वायर. ठीक है, ओके. आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरी वन. और इसको एक और एक टर्म में लिख सकते हैं, वट इज आई मैक्स एंड आई मिनिमम. दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड. ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस में. सो प्लीज टेक डाउन दिस फॉर्मूलाज, दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एम्पलीट्यूड के टर्म में अगर बात करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी होल स्क्वायर. इंटेंसिटी के टर्म में बात करें तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस. तो एवरी वन टेक डाउन दिस फॉर्मूला, ये काम आएंगे, ठीक है? और एक रिलेशन है जो मैं बताना चाहती हूँ, वह अगले पेज पे चलते हैं उसके लिए. ओके, लिख लो इसको तब तक. ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से रिलेशन जो सब लोग लिख ले यहां पे, वो ये है कि ये जैसे कि तुम्हारा दो डबल स्लिट्स, आई मीन दिस इज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स. हियर इज अ स्क्रीन, दिस डिस्टेंस इज अ कैपिटल डी एंड दिस डिस्टेंस इज अ स्मॉल डी एज यू नो. दिस इज अ सोर्स वन, दिस इज अ सोर्स, दिस टू आर कोहेरेंट सोर्सेस. एंड लेट्स से दिस विड्थ इज अ डब्ल्यू वन एंड दिस विड्थ इज अ डब्ल्यू टू. सो आई राइट इट हियर, इफ यू आर डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर विड्थ, these are the widths of two slits from which intensities of light
I one and I two emanate, or we can say generate, yes. Then एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस W1 डिवाइडेड बाय W2 इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2 एंड विच इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर. ये भी रिलेशन सब लोग लिख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू विल रिक्वायर दिस. व्हाट इज दिस W1 एंड W2? दिस आर द विड्थ ऑफ स्लिट्स, विड्थ ऑफ द स्लिट्स. These are the width of slits. I hope it's clear to you now regarding this. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? Now we are going to see some conditions for a constructive interference and destructive interference. ठीक है? Say yes or no if it is clear to you. सब लोग मुझे फास्ट फास्ट बताइए कि इज इट क्लियर टू यू और नॉट, ये कंडीशन तो सबको क्लियर है कि नहीं है, सो दैट मैं आगे बढ़ूं. हम एक बार कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की एक बार कंडीशंस लिख लेते हैं. व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस, क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. ओके, सो आई वॉन्ट टू सी, से यस इफ इट इज क्लियर टू यू सो दैट वी कैन मूव अहेड, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है? ओके, सो ओके, चलो गुड फाइन. सो नाउ लेट्स सी सम कंडीशंस. ये फॉर्मूला फिर से मैं बार बार क्यों लिख रही हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज गिवन एज I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 cos phi. यस, अब जब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहती हूं, व्हेन आई एम लुकिंग फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, व्हेन आई एम लुकिंग फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन व्हाट कुड बी माय थीटा, मतलब मेरे कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम. कॉस फाई शुड बी मैक्सिमम, एंड व्हेन दिस इज पॉसिबल, फॉर विच वैल्यू ऑफ अ फाई यू विल गेट अ कॉस फाई एज अ मैक्सिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अ फाई यू विल गेट कॉस फाई एज अ मैक्सिमम. Yes, for what value of a phi you will get maximum. So what are these angles for which you will get the maximum value? So constructive कहाँ कहाँ पे मिलेगा, कौन कौन से angle पे मिलेगा? It will be 0, then 2 pi, then it will be 4 pi, then it will be dot 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 dot. Yes, 0 is always there, but then these are again the in terms of 2 pi, 4 pi, 6 pi, like that. So basically I'll call this as a delta phi because it is a phase difference. Phi se acha hai ki delta phi rakhe, because this represent the phase difference of these two waves. To ye kya ho jayega, it is a multiple of these, so even multiple, so I'll write this is nothing but 2n pi. This is the condition for constructive interference, where n start from 0, 1, 2, 3 onwards. Isn't it clear? Or what about the phase path difference? Ye to hua phase difference. So I hope everyone know what is the relation between phase difference and path difference. Can anyone tell me ki path difference kya hona chahiye? What will be the delta pi? Can anyone tell me ki path difference kya hona chahiye? Yes, how many of you remember the relation between phase difference and path difference? Yes, come on, fast, answer me. What will be the path difference? Path difference kya hona chahiye? Yes, Rahul Sharma, you're correct. You're saying 0, 2 pi. That is there. What will be the path difference? Yes, quickly. Because if you remember the relation, it is lambda, this delta lambda equal to lambda upon 2 pi into delta phi. Aise kuch relation hai? Aise kuch relation hai? Yes, Hana?
Say something. Okay, so what is going to be the if you put delta phi as a 2n pi, तो 2 pi तो कट हो जाएगा. So this will be n pi. ये आ जाएगा आपका n pi. Because and again n will start from 0, 1, 2 onwards. So ऐसी दो वेव जिनका पाथ डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, इन द मल्टीपल ऑफ दिस लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और 0 भी चलेगा. सो वो वेव क्या फॉर्म करेगी, जब भी वो मिलेगी दे विल फॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. वेन एवर दे विल मीट दे विल फॉर्म अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, सो नोट डाउन दिस. फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, यस, नाउ सिंपली अगेन द सेम टर्म दैट आई एम राइटिंग, यू हैव दिस आई रिजल्टेंट एज आई वन प्लस आई टू प्लस 2 times अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव. सो फॉर डिस्ट्रक्टिव योर कॉस फाइव शुड बी मिनिमम, एंड इट इज मिनिमम फॉर वॉट वैल्यूज, इट इज मिनिमम फॉर वेन योर फाइव इक्वल्स टू यस योर पाई 3 pi, then 5 pi, like that. Or I can say this is an odd multiple, 2n minus 1 pi, where n will start from 1, 2, 3 onwards. Isn't it? Clear? Ye bhi quickly revise karana zaruri hai. 2n minus 1 pi. So there for destructive interference kya zaruri hai? योर डेल्टा फाई की कंडीशन है 2n माइनस 1 पाई, एंड डेल्टा लैम्डा की कंडीशन है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. दीज आर द कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्लियर? दीज आर द कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यस, वेरी गुड. इफ इट इज क्लियर, क्योंकि अब हम चलते हैं फ्रिंज विड्थ की तरफ. नाउ वी कैन प्रोसीड टू द फ्रिंज विड्थ. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन समवेयर, इसको लिख लो कहीं पे. ठीक है, क्लियर सबको? लिख लिया? आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं. मैं फिर से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर रही हूँ. लेट्स, दिस इज अ सोर्स एस वन एंड दिस इज सोर्स एस टू, लाइक दिस. दिस इज अ डिस्टेंस डी. डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स. ठीक है, आप सब लोग ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. सो लेट मी जस्ट सेट दिस कैमरा. फाइन, तो अब फिर से डबल स्लिट के ऊपर चल रहे, क्योंकि अभी हमें एक इंपॉर्टेंट सी रिलेशन डिराइव करनी है, दैट इज अ फ्रिंज विड्थ, जिसके ऊपर क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है. व्हाट इज अ फ्रिंज विड्थ, तो बताएंगे हम लोग. फिर न्यूटन रिंग भी समझेंगे क्या होती है. सो ये है सपोज तुम्हारा टू कोहेरेंट सोर्सेज जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है डी. लेट्स टेक दिस इज योर स्क्रीन, ये है तुम्हारी स्क्रीन और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी. ये क्लियर है? लेट्स टेक दिस इज अ सेंट्रल मैक्सिमा. मान के चल रहे कि ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा. यहाँ पे हमारा जो बनेगा दैट इज अ सेंट्रल मैक्सिमा. यहाँ पे जो बनेगा दैट इज अ सेंट्रल मैक्सिमा. सो सपोज यहां से एक लाइट आ रही है कोई एक पॉइंट, कोई एक रैंडम पॉइंट स्क्रीन पे. दिस इज अ स्क्रीन. इस स्क्रीन पे कोई एक रैंडम पॉइंट है पी, एक कोई भी रैंडम पॉइंट, मैंने पी उठाया. और अगर लेट से ये वेव यहाँ पे पहुंच रही है ऐसे, और ये वेव यहाँ से पहुंच रही है ऐसे. सो दीज टू वेव्स आर मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी. ये दो वेव कहां पे मीट कर रही है, दिस पॉइंट पी. पॉइंट पी के लिए मैं बात कर रही हूं. पी इज अ रैंडम पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, एंड लेट्स से दीज टू वेव्स आर रीचिंग एट दिस पॉइंट पी. ओके, सो व्हाट इंपॉर्टेंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स कॉल दिस एज अ डिस्टेंस एक्स. ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, लेट्स से एक्स. तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसे कोई भी पॉइंट को हम लोकेट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लोकेट दिस कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट. यहां से हम लोग ये सारे डिस्टेंस उनके पोजीशन को अलॉट करने वाले हैं. व्हाट दिस एक्स रिप्रेजेंट, वी आर अलॉटिंग द पोजीशन, वी आर फाइंडिंग द
पोजिशन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे उस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या पोजिशन है, दैट इज गिवन बाई दिस एक्स. सो देर इज डेफिनेटली, लेट्स कॉल दिस पाथ एज आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट, पॉइंट का सोर्स का पॉइंट, सोर्स का नाम बदल देते हैं. लेट्स कॉल दिस इज सोर्स ए एंड लेट्स कॉल दिस इज सोर्स बी. सो ये एक वेव है जिसने ऐसा ट्रैवल किया लेट्स से एंड रीचिंग हियर. सो इसने लेट्स से ये पाथ ट्रैवल किया ए पी. द पाथ ट्रेवल्ड बाई दिस वेव इज ए पी. द पाथ ट्रेवल्ड बाई दिस अनादर वेव, इसने थोड़ा ज्यादा पाथ ट्रेवल किया. ये चीज आपको क्लिक हुई, दिस वेव हैज ट्रेवल्ड अ लिटिल मोर पाथ देन द फर्स्ट वेव. आई एम कॉलिंग दिस पाथ एज अ बी पी. कैन यू टेल मी कि क्या ये दोनों पाथ सेम है, क्या दोनों वेव्स ने सेम पाथ ट्रेवल किया? एंड द आंसर यू विल गेट इज नो. दोनों वेव के पाथ जो ट्रेवल की है वो सेम नहीं है. देर इज सम डिफरेंस इन देयर पाथ एंड दैट पाथ डिफरेंस लेट्स आई राइट दिस एज ए पी माइनस बी पी. दिस इज द पाथ डिफरेंस. एम आई ऑडिबल गाइज? लेट मी जस्ट चेक. हेलो, या ओके. सो दीज आर द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स. हेलो, यस, दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स एंड दिस पाथ डिफरेंस इज गिवन एज एक्स डी बाई कैपिटल डी. कैसे आया? इट्स अ वेरी ह्यूज डेरिवेशन, बट अभी जरूरत नहीं है. बट रिमेंबर दिस इज द पाथ डिफरेंस ऑफ दीज टू वेव्स. इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं काफी ज्यादा. दिस इज द पाथ डिफरेंस ऑफ अ टू वेव्स. ओके, क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो सब लोग. ओके, दिस इज द पाथ डिफरेंस ऑफ अ टू वेव्स. अब मुझे पता है अगर ये पॉइंट कंस्ट्रक्टिव का है तो पाथ डिफरेंस क्या होगी? एन लैम्डा. डिस्ट्रक्टिव का मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अभी वो डिराइव करेंगे हम लोग. अगर ये कंस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करें तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव में कितनी होती है? एन लैम्डा. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स डी बाई कैपिटल डी. सो कैन यू गेट हियर एक्स फ्रॉम हियर? दिस एक्स इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. इज इट क्लियर? ये x इक्वल टू, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द पोजिशन विच विल गिव यू द मैक्सिमा. ओके, ये है, दिस इज द पोजिशन फॉर मैक्सिमा. दिस विल गिव मी द पोजिशन फॉर मैक्सिमा. अगर तुम n इक्वल टू वन पुट करते हो तो तुम्हें मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा. n इक्वल टू वन पुट, सबसे पहले n इक्वल टू जीरो पुट करते हैं. n इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा. n इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड दिस रिप्रेजेंट सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, अगर n इक्वल टू वन पुट करते हो तो x क्या हो जाएगी? x विल बी लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल d. दिस इज माई फर्स्ट मिनिमा. अगर n इक्वल टू टू पुट करते हो तो x क्या मिलेगी? 2 lambda capital D by small d. This is my second maxima. Where should I write? I'll write it here. Second maxima. This will give me the position of corresponding maxima. Okay, Rich CH is asking, is it always valid? You are asking what? Can you complete your question? Because I don't know you are asking in what reference. Okay, so please check. This is the first maxima, first minima, sorry, first maxima and second maxima. ठीक है? So, yes, ये तो हो गई condition for किसके लिए? Maxima के लिए. Can we do same for minima? Minima के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? So suppose, if I am looking for minima, तो minima के लिए फिर से लिख लेते हैं xd by capital D. एक्स डी बाई कैपिटल डी, दिस इज द पाथ डिफरेंस. तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होती है? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा. तो मिनिमा के लिए इक्वेट करें तो x हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? दिस विल बी कैपिटल D लैम्डा एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई स्मॉल d एंड दिस विल बी 2n. ओके, आई विल रीराइट दिस. दिस विल बी 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d. चेक कर लो, सही है? हाँ. ओके, रिच इज आस्किंग इफ पार्ट डिफरेंस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड. आई एम हियर, आई एम ओनली कैलकुलेटिंग दिस फॉर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट.
इसकी डेरिवेशन के डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट अभी ये समझने के लिए, हमें ये प्लॉट करने के लिए, टू प्लॉट द पोजिशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यस दिस इज अ वैलिड. ओके, सो व्हाट इज पॉइंट इज हियर, यू गॉट दिस एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d. सो इफ यू पुट नाउ n इक्वल टू 1, यू विल गेट द फर्स्ट मिनिमा. और क्या मिलेगा आपको फर्स्ट मिनिमा, जस्ट पुट n इक्वल टू 1, व्हाट यू विल गेट इज 2 माइनस 1, दैट विल 1, यू विल गेट दिस एज अ लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d. दिस इज माई फर्स्ट मिनिमा. इफ यू पुट n इक्वल टू 2, व्हाट यू विल गेट इज 2 into 2 minus 1, that will be 3 lambda capital D by 2D. And you will get this as a second minima, like that. Clear? Now, what the point is, now let's talk about what is a fringe width. What is a fringe width? Fringe width hoti kya hai? So, jaise hi tum agar screen pe agar main baat karu, to screen pe tumhe kya mil raha hai? You're getting a central maxima. Let's say this is a central maxima. फिर मिल रहा है एक मिनिमा, फिर मिल रहा है एक मैक्सिमा, आई कॉल दिस इज अ सेंट्रल, फिर मिल रहा है एक मिनिमा, और नीचे भी सेम पैटर्न, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, और फिर ये मिनिमा. अब फ्रिंज विड्थ की जब मैं बात करती हूँ, व्हाट आई मीन बाय फ्रिंज विड्थ, इट इज द फ्रिंज विड्थ फॉर मैक्सिमा, आई कॉल, आई राइट हियर, इफ आई वॉन्ट फ्रिंज विड्थ फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, मतलब मुझे ये चाहिए, दिस आई एम लुकिंग फॉर दिस विड्थ, दिस जो मैंने डार्क किया है इसका विड्थ मुझे चाहिए. कैन एनीवन टेल मी इन अ कमेंट बॉक्स व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ ऑफ अ मैक्सिमा, व्हाट विल द फ्रिंज विड्थ ऑफ अ मैक्सिमा, कैन एनीवन टेल मी इन अ कमेंट बॉक्स, यस क्विकली. And then the next question will be, what will the fringe width of a minima as well? Yes. Anyone has any answer? Anju, Ankita, Rahul. What will be the fringe width? Yes. So it's just the, aap log first minima. यहाँ का और ये, इन दोनों का अगर डिफरेंस कर लोगे, इफ यू टेक अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिकेटिव मैक्सिमा और कॉन्जिकेटिव मिनिमा, यू विल गेट अ फ्रिंज विड्थ, एज सिंपल एज दैट. सो इफ यू टेक अ डिफरेंस इन अ कॉन्जिकेटिव मैक्सिमा, जैसे कि फर्स्ट मैक्सिमा और सेकेंड मैक्सिमा का डिफरेंस लेते हो, फर्स्ट मैक्सिमा क्या है, आई कॉल दिस एज एक्स वन एंड आई कॉल दिस एज एक्स टू. सो इफ आई डू एक्स टू माइनस एक्स वन, आई विल गेट द फ्रिंज विड्थ फॉर द मिनिमा. और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये मुझे मिलेगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई डी. तो आई विल गेट दिस एज अ लैम्डा कैपिटल डी बाई डी. दिस इज द फ्रिंज विड्थ फॉर मिनिमा. और मैक्सिमा के लिए भी आपको सेम ही मिलेगी, यू विल गेट सेम फॉर मैक्सिमा एज वेल. सो व्हाट इज द कंक्लूजन इज दिस फ्रिंज विड्थ बीटा इज गिवन एज लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. This is the fringe width. And for maxima and for minima, it is going to be same. Okay? So that's it for today. And we'll continue this part tomorrow. Okay? We are going to continue this part tomorrow. We have a time boundary. So for today, it's enough. Tomorrow, we'll see the questions based on this particular formula. And we'll see what are the Newton's ring and all. Okay? So thank you everyone. Thank you.